हेलो गाइस, मैं हूं धर्म दुबे और आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। सलमान खान का शो बिग बॉस ऑन एयर होने में बस कुछ दिन और बचे हैं। ऐसे में शो में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों के नाम रोजाना ही सामने आ रहे हैं। सिंगर आदित्य नारायण को लेकर न्यूज चल रही थी कि वे भी इस शो का हिस्सा हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर पक्की हो गई है। जी हाँ, आदित्य नारायण के साथ कलर्स की टीम ने डील फाइनल कर ली है। अब चुलबुले आदित्य नारायण बिग बॉस शो में ना केवल गाना गाएंगे बल्कि लड़ते झगड़ते भी नजर आने वाले हैं। आदित्य नारायण रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुके हैं। इन दिनों उन्हें कलर्स के शो खतरा 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 में कॉमेडी करते हुए देखा जा सकता है। वैसे एक बात आपको बताएं, आज ना आदित्य नारायण का जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे आदित्य। स्टार प्लस पर जल्द ही ऑन एयर होने वाला डॉक्टरों का शो संजीवनी बेहद खास मकसद के साथ लाया जा रहा है। जी हाँ, संजीवनी में एक प्रासंगिक मुद्दे को दर्शाया जाएगा। ये शो दो सिद्धांतों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देगा। एक तरफ डॉक्टरों का एक ग्रुप है जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है और जिनके लिए मरीज को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है, भले ही रोगी गरीब हो और उसके पास बिल भरने का पैसा भी ना हो। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी है जिनके लिए मरीज रेवेन्यू पैदा करने की मशीन है और उनका आइडिया रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होता है। ऐसे में संजीवनी अपनी मजबूत कहानी की मदद से समाज के माफिया डॉक्टरों की करतूत उजागर करेगी। काश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर भारत सरकार ने काबिले तारीफ वाला काम किया है। इस खुशी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। हम आपको टीवी के एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने कहा, मेरा घर मुझे वापस मिल गया। जी हाँ, मेरे अंगने में फेम एक्ट्रेस एकता कौल आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद बेहद खुश हैं। एकता कौल कहती हैं, शादी करते ही एक पल में मुझसे मेरा कश्मीर छीन गया था, लेकिन आर्टिकल 370 के हटाए जाने के फैसले ने मुझे मेरा कश्मीर वापस दिला दिया। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के नियम के तहत अगर कश्मीरी लड़की किसी बाहर के लड़के के साथ शादी करती है तो वो नॉन कश्मीरी हो जाती है। एकता कौल भी कश्मीरी हैं और जब उन्होंने सुमित व्यास से पिछले साल शादी की तो वे नॉन कश्मीरी बन गई थी, लेकिन सरकार द्वारा कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद एकता के लिए सबसे बड़ी खुशी और राहत की बात है। 6 अगस्त को जन्मी टीवी की बहुचर्चित अभिनेत्री दीपिका कक्कर का आज 33वां जन्मदिन है। दीपिका, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जानकारी के मुताबिक मुंबई के एक प्रसिद्ध होटल में दीपिका अपने परिवार, रिश्तेदार और करीबी मित्रों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं। आपको बता दें कि दीपिका बिग बॉस 12 की विनर हैं और इस समय कहां हम कहां तुम में नजर आ रही हैं। दीपिका कक्कड़ ने पिछले साल 23 फरवरी को टीवी अभिनेता शोएब इब्राहिम से शादी की थी। दीपिका की ये दूसरी शादी है। शोएब से शादी करने के लिए दीपिका को अपना नाम बदलकर फैजा रखना पड़ा था। नजबलिए में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ही ट्विस्ट आ गया। चलता शो छोड़कर रवीना टंडन निकल पड़ी बाहर की तरफ। दरअसल पूरा मामला क्या है ये आपको बता दिए देते हैं। होस्ट मनीष पाल और वलुषा डिसूजा गो बैक रवीना लिखा हुआ प्ले कार्ड लेकर आते हैं। रवीना नाराज हो जाती हैं। तभी शो के जज अहमद खान मनीष से पूछते हैं, ये सब क्या है? मनीष कहते हैं, आपने देखा नहीं, बाहर लिखा है कि मोबाइल, वेपन्स और विस्फोटक पदार्थ अंदर ले आना मना है। मनीष अहमद खान से रवीना की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आपके बगल में क्या है? इस पर अहमद खान कहते हैं, ये सचमुच बड़ी मिसाइल है। इस पर रवीना नाराज हो जाती हैं और शो से बाहर जाने लगती हैं। मनीष सॉरी सॉरी कहते हैं लेकिन रवीना नहीं मानती। अहमद खान कहते हैं कि वे तुम्हारी शिकायत करने सलमान खान के पास जा रही हैं, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अब मनीष आश्चर्य से कहते हैं कि रवीना को वापस कौन लाएगा। तभी रैपर बादशाह प्रवेश करते हैं शहर की लड़की पर डांस करते हुए। रवीना भी उनके साथ डांस करने लगती हैं। फैंस की तालियों से हॉल गूंज उठता है। तो दोस्तों, ये थी टीवी जगत से आज की टॉप 5 न्यूज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहें हिंदी राशि।